नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम ब्यौरा। कांग्रेस महासचिव जगदीश सैनी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कांग्रेस उम्मीदवार रामचंद्र दांगी के पक्ष में मतदान करने की मतदाताओं से की अपील। कांग्रेस नेता का दावा, उपचुनाव के बाद प्रदेश में बनेगी पार्टी की सरकार। ब्यौरा विधानसभा क्षेत्र के मलावर में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव जगदीश सैनी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सैनी ने ब्यौरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार रामचंद्र दांगी के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए मतदाताओं से आग्रह किया है कि क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी बनाए। उन्होंने यह भी कहा कि उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि आने वाली 3 तारीख को आपको अपने बेटे श्री रामचंद्र दांगी जी को हाथ के पंजे का बटन दबाकर भारी मत से विजय बनाए। आज हमारे बीच में सर आपका परिचय दीजिए, आप जो कहां से आए हैं और क्या प्रवास, किस उद्देश्य से मलावर आना हुआ आपका? मैं जबलपुर से हूं जी, और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव हूँ। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में पिछड़े वर्ग विभाग का महासचिव हूँ और पूर्व में नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष रहा हूँ दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में 2003 में, जब राज्य मंत्री का दर्जा था। और यहाँ पे मुझे ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है, तो उस प्रचार प्रसार में भाई सुरेश जी सुमन हमारे साथी, जोशी जी, प्रहलाद जी, गुप्ता जी, सब लोगों का कहना था कि मलावार से चालू करें। हमारे अपने भाई लोग यहाँ पर सब लोग थे, तो मैंने कहा पहली मीटिंग मलावार में करके यहाँ से चालू कर रहा हूँ। और भाई रामचंद्र दांगी जी हमारे पुराने साथी हैं, कई सालों से हम लोगों ने साथ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में काम किया हुआ है। हेलो। और एक अच्छे उम्मीदवार को विजय बनाने के लिए और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी को ताकत देने के लिए कि हमारे कुछ लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात किया, धोखा किया है, उसका जवाब देने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। और मुझे विश्वास है कि मलावार की जनता ऐसे लोगों को जवाब भरपूर पूरी ताकत से देगी और कांग्रेस उम्मीदवार रामचंद्र दांगी जी को पूरे बहुमत से विजय बनाएगी। सर भाजपा वाले आप लोगों पे एक आरोप लगा रहे हैं कि आप जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। हम कोई जातिवाद जातिवाद की राजनीति के लिए उदाहरण मैं आप ही को दूं कि जैसे अभी हुकुम सिंह जी कराड़ा आए थे, उन्हें केवल गुर्जर समाज के जो 10 से 12 ब्यावरा विधानसभा के गाँव में वहाँ भेजा है। अरुण जी यादव जो केंद्रीय मंत्री है, उन्हें केवल यादव समाज के जो गाँव थे उसमें भेजा है। और आपका प्रवास भी लगभग लगभग ऐसी जगह तय किया गया पार्टी की तरफ से जब माली समाज बहुसंख्यक में है, उसमें क्या ये वो हो सकता है संयोग, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में हूँ। ये सब लोग मुझे प्यार करते हैं, मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, ये अलग बात है। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदार पदाधिकारी हूँ, इसलिए अपने लोगों के बीच आया हूँ और आगे भी इसी रूप में जाऊँगा। और मैं सब जगह सभी जाति और सभी वर्ग लोगों से मिल रहा हूँ और उनसे कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए अपील कर रहा हूँ। भाजपा वाले कह रहे हैं कि भाई विकास तो कोई 15 महीने में किया नहीं है, जो वादे किए थे कमलनाथ सरकार ने पूरे नहीं किए, इसलिए उनका कोई एजेंडा नहीं है। तो आगे आप लोग आप क्या मैसेज देना चाहोगे समाज तो को या जनता को? चौहान से ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने पिछले 15 सालों में क्या किया। आप हमसे 15 महीने का हिसाब पूछ रहे हो, आप 15 सालों का हिसाब इस प्रदेश की जनता को तो दो। इस 15 सालों में उन्होंने क्या किया? GST में बर्बाद कर दिया, नोटबंदी में बर्बाद कर दिया, विकास के नाम पर लूट खसोट चालू की, आप व्यापम घोटाले में बर्बाद कर दिया, ढेर सारे जो मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं, इतने सारे घोटाले, इतने सारे कांड हुए हैं कि गिनाने बिठा लेंगे तो शाम हो जाएगी, लेकिन पूरे नहीं होंगे 15 सालों में। खबर समय जगत के लिए ब्यावरा मलावर से शिव सिंह परमार की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।